मेरा नाम अरसलान शिरा और आप देख रहे हैं लास्ट टू प्रोडक्शन। व्यूवर्स, इसमें हम सीख रहे हैं कोरल ड्रा ग्राफिक्स विद X7, जिसका आज लेक्चर नंबर 23 है। ठीक है, बस मैं कोरल ड्रा खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आज लेक्चर नंबर 23 है, जिसमें हम पढ़ेंगे बेजर टूल के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली बेजर टूल होता कहाँ पे व्यूवर्स, अगर आप देखें यहाँ पर टूल बार में चौथे नंबर पर अगर आप आएंगे तो आपको फ्री हैंड टूल मिलेगा। ठीक है, इसका आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू खोलना है तो यहाँ पर आपको 2.9 टूल इसके नीचे आएगा, फ्री हैंड टूल के नीचे, जो कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और इसके नीचे थर्ड नंबर पर आएगा बेजर टूल। ठीक है, तो मैं बेजर टूल को यहाँ से सेलेक्ट भी कर लेता हूँ। ठीक है, तो बेजर टूल वेवर्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि बेजर टूल का असल में मकसद क्या होता है, इसको क्यों यूज़ किया जाता है और किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वीवर्स, इसको दो तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एक मैनुअली और एक बिल्कुल फ्री हैंड। ठीक है, तो मैनुअली आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली आप यहाँ कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक डॉट का निशान बनाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए, ये इसने एक डॉट बना दिया। ठीक है, और जहाँ पर भी मैं कहीं जाकर जहाँ पर भी दूसरा क्लिक करूँगा तो ये यहाँ से लेके वहाँ तक एक लाइन लगा देगा। ठीक है, तो उसके ज़रिए हम लोग बहुत बहुत खूबसूरत ऑब्जेक्ट भी तैयार कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर्स भी बना सकते हैं, उसके अलावा अलग अलग शेप्स भी बना सकते हैं। तो मैंने एक यहाँ पे क्लिक कर दिया, दूसरा क्लिक मैं अगर यहाँ कर देता हूँ तो ये देखिए, इसने यहाँ से यहाँ एक लाइन खींच दी। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ पर एक क्लिक लगा दूँ तो ये देखिए, इसने यहाँ से यहाँ लगा दी। और अगर मैं यहाँ पर क्लिक लगा दूँ तो ये, और उसके बाद ये लगा दिया मैंने। और उसके बाद जब भी इसकी हेड और इसका टेल यानी कि जुड़ने लगेगा तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसकी हेड पर लाता हूँ, ठीक है, तो इसने इसके हेड के ऊपर जाकर मुझे एक एरो दे दिया। ठीक है, एरो का मकसद है कि ये इसकी हेड है, यहाँ पर जाके ऑब्जेक्ट मुकम्मल हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो मैं अगर यहाँ पर जाके ऑब्जेक्ट क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, बिल्कुल ऑब्जेक्ट बन गया। अगर मैं अब चाहूँ तो इसके अंदर कलर वगैरह जैसे चाहूँ वो फिल कर सकता हूँ। तो बस ये तो हो गया इसका मैनुअली यूज़, यानी कि अगर हम लोग कोई भी चीज़ स्ट्रेट यानी कि काम करना चाहते हैं तो ये उस लिए। तो फ्री हैंड हम इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बस फ्री हैंड इसको यूज़ करने के लिए आपने एक जगह पर टिक कर दिया। ठीक है, दूसरी जगह पर आपने जब टिक करना है तो आपने अपने माउस से जब लेफ़्ट क्लिक करना है तो लेफ़्ट क्लिक को छोड़ना नहीं है, उसको पकड़े रखना। उसको पकड़े रखने के साथ आपको एक इसका कंट्रोल हैंडल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, मुझे कंट्रोल हैंडल मिल गया, जिसकी वजह से मैं एक खूबसूरत ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। और अगर आप इस नोट को भी हिलाना चाहते हैं, यानी कि ये चाहते हैं कि ये भी इस जगह पर नहीं, थोड़ी सी ऊपर नीचे आए, जो ये ब्लू कलर की नोट आ रही है यानी कि हैंडल का जहाँ पे कंट्रोल है, तो आप अपने कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करना है। ALT आल्ट का एक बटन होता है, ठीक है, उसको आपने प्रेस करना है। उसको प्रेस करते ही देखिए, अब ये नोट की जो वो ब्लू एरिया है जहाँ पे कंट्रोल हैंडल का पॉइंट है, वो भी अब हिल रहा है, यानी कि बिल्कुल ही फ्री हैंड अब मैं इसके अंदर काम कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे लगा दूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आल्ट छोड़ देता हूँ, ये यहाँ पर मैंने लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ से मैं चाहता हूँ जी कि मैं यहाँ पर लगाऊँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर फिर से लेफ़्ट क्लिक को पकड़े रखता हूँ, छोड़ता नहीं हूँ, तो मुझे फिर से एक कंट्रोल हैंडल मिल गया। ठीक है, तो मैं उसी कंट्रोल हैंडल को फिर से इस्तेमाल करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर ये लगा दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर एक और पकड़ता हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ से कहता हूँ कि बिल्कुल मैं फ्रीली काम करूँ, तो मैं आल्ट को प्रेस कर लेता हूँ। आल्ट को प्रेस करते ही मेरे पास बिल्कुल आज़ादाना ये हो गया काम, यानी कि बिल्कुल फ्री हैंड में काम कर सकता हूँ। उसके बाद मैं फिर से इसे छोड़ देता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट को पूरा करना चाहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं जैसे ही लाता हूँ तो ये मुझे एक एरो का निशान दे देता है और कहता है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट जाकर मुकम्मल हो जाएगा। तो ये देखिए, अब मैं इसके अंदर कलर बिल्कुल ईजीली फिल कर सकता हूँ। तो इसके अंदर आप इस तरह से फ्री हैंड टूल भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आप आउटलाइन यानी कि इसकी जो आउटलाइन है आप उसको भी कलर दे सकते हैं, लेकिन अब इसको इसकी आउटलाइन को हम कलर तो दे दिया, ठीक है, तो इसकी आउटलाइन को वहाँ पर तो हमारे पास रिबन में आ जाता था इसकी आउटलाइन का साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए। तो अगर आपने अब इसकी आउटलाइन का इंक्रीज़ करना है, ठीक है, साइज़, तो आप अपने कीबोर्ड से F12 को प्रेस करेंगे। F12 को प्रेस करते ही ये देखिए आपके पास आ गया आउटलाइन पेन, ठीक है, यानी कि यहाँ से आप अपनी आउटलाइन का यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से उसकी विड्थ यानी कि उसकी जो मोटाई है उसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ से उसके पॉइंट्स को चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से उसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं दे देता हूँ जी, ये स्टाइल मैंने दे दिया आउटलाइन का, और मैं आउटलाइन को कर देता हूँ 10, ठीक है, देन मैं इसको ओके कर देता हूँ, तो ये देखिए इसकी जो आउटलाइन थी वो इस तरह की बनकर आ गई। ठीक है व्यूअर्स, तो मैंने आपको बता दिया कि बेजर टूल को आप दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, मैनुअली भी और फ्री हैंड भी। तो आपका जिस तरह से दिल करे आप उस तरह से यानी कि अपने ऑब्जेक्ट के मुताबिक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसके अलावा अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं मोर अपडेट्स के लिए, जिसका नाम है lastlookproductions.blogspot.com। यहाँ पर आकर आप हमारे लर्निंग के पेज पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज आ जाएगा, यहाँ पर हमारे तमाम के तमाम कोर्सेज़ हैं। तो आप यहाँ पर कोरल ड्रा को क्लिक करेंगे तो आपके पास कोरल ड्रा का पेज आ जाएगा,
वहाँ पर कोरलड्रा की तमाम इंट्रोडक्शन दी गई है और यहाँ पर कोरलड्रा की एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी दी गई है। तो अगर आप हमारे इस कोर्स को अभी स्टार्ट करने वाले हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, इसको देखने से आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इसके अलावा अगर आप इस वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके ऊपर डाउनलोड बटन दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो उसके अलावा व्यूअर्स, अगर आप कोरलड्रा का कोई भी वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पेज पर ये लिंक दिया गया है, यहाँ पर आप क्लिक करके कोई भी कोरलड्रा का लिंक यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर्स में भी, यहाँ पर अगर ये देखिए कोरलड्रा रजिस्टर के नाम से लिंक है, ठीक है, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा व्यूअर्स, इससे पहले हमारे 22 लेक्चर्स लॉन्च हो चुके हैं, आज लेक्चर नंबर 23 या बेजर टूल जैसे ही कम्प्लीट होता है मैं इसको भी अपलोड कर दूंगा। और इसके अलावा व्यूअर्स, अब मैं और भी सोशल मीडिया पर यानी कि फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको हमारे तमाम के तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे, फेसबुक, यूट्यूब एंड गूगल प्लस पर भी। तो अगर आप हमारी वेबसाइट की अपडेट्स ईमेल बाय ईमेल चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपनी ईमेल डाल दीजिएगा और यहाँ पर आप उसे सबमिट करवा दीजिएगा। उसके बाद आपको ईमेल पर एक छोटी सी नोटिफिकेशन आएगी, उसको आपने अप्रूव करना है, उसके बाद हमारी वेबसाइट पर होने वाली तमाम अपडेट्स आपको बाय ईमेल पहुँच जाएंगी। और अगर आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन नज़र आ रहा होगा, आपने उसे सब्सक्राइब कर देना है। उसको सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल का निशान आएगा, अगर आप उस बेल के निशान को चेक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा बॉक्स खुलेगा जिसको लिखा हुआ है सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल, यानी कि हम अपने इस चैनल के ऊपर अपने तमाम के तमाम कोर्सेज को भी अपलोड करते हैं। तो वो जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड किया करेंगे वो आप तक बाय ईमेल वो नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगी। तो इसके साथ आपका टाइम बचेगा कि आपको बार बार हमारे यूट्यूब चैनल या वेबसाइट पर आकर चेक नहीं करना पड़ेगा कि क्या नई अपडेट्स है, वो आप तक बाय ईमेल पहुंच जाया करेंगी। तो इसलिए आपको हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और हमारी वेबसाइट पर भी यहाँ पर अपनी ईमेल सबमिट करवा देनी चाहिए। तो व्यूअर्स, अगर आज के लेक्चर के हवाले से आपको कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी क्वेश्चन है तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हमें देख रहे हैं तो वहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप हमारे वेबसाइट पर हमें देख रहे हैं तो वहाँ पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह 24 घंटे में आपकी प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिल जाएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर आपको दे दिया जाएगा। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह अब मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।